नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा जाटो डील पे। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, खासकर उन लोगों के लिए जो पुरानी छोटी लोडिंग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और उनका बजट जो है वो केवल 1,00,000 रुपये है। तो अगर आप भी पुरानी छोटी लोडिंग गाड़ी जो है वो खरीदना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं है, तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 1,00,000 रुपये के अंदर आपको कौन कौन सी गाड़ी मिल सकती है और कौन सी गाड़ी आपको खरीद लेनी चाहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गाड़ियां दिखाऊंगा जो मात्र आपको 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएंगी। दोस्तों इन 5 गाड़ियों का चुनाव मैंने कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए किया है, जो कि है सबसे पहले प्राइस और दूसरा है माइलेज और तीसरी चीज है इनकी मेंटेनेंस। तो कोई भी अगर इस रेंज में गाड़ी खरीद रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गाड़ी जो है वो प्राइस, माइलेज और मेंटेनेंस के मामले में भी अच्छी हो। चलिए दिखाते हैं आपको कौन सी 5 ऐसी गाड़ियां मैंने आपके लिए चुनी है जो आपको मात्र 1,00,000 रुपये में मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, पूरी देखना दोस्तों ये वीडियो अगर आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं। सबसे पहले नंबर पे वो गाड़ी आती है जो मैंने आपके लिए चुनी है, वो है टाटा एस एच टी। दोस्तों टाटा एस एच टी गाड़ी आपको 2009-2010 मॉडल बड़ी आसानी से 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी, टैक्स पासिंग कंप्लीट के साथ। दोस्तों गाड़ी बहुत अच्छी है और कई सालों से लोगों के दिलों पर राज करती हुई आ रही है, और इसका जो खास बात है कि अपनी पेलोड कैपेसिटी से कई ज़्यादा वजन उठा लेती है और इसकी माइलेज भी बहुत ही ज़्यादा है। और बात करें मेंटेनेंस की तो इसकी मेंटेनेंस भी बहुत ही कम है, और ये गाड़ी 2009-2010 मॉडल आपको मात्र 1,00,000 रुपये के अंदर आपको मिल जाएगी अच्छी कंडीशन में। चलिए बताते हैं आपको दूसरी गाड़ी। तो दूसरी गाड़ी जो आती है मेरी लिस्ट में वो है महिंद्रा की मैक्सिमो गाड़ी। दोस्तों मैक्सिमो गाड़ी भी बहुत ही अच्छी है और इसकी पेलोड कैपेसिटी भी टाटा इस एच टी के मुकाबले में बिल्कुल हेड टू हेड है। और अगर बात करें माइलेज की तो माइलेज भी आपको अच्छी खासी दे देगी, मेंटेनेंस भी गाड़ी की कम है। और अगर कीमत की बात करें तो ये 2013-14 मॉडल आपको 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी, टैक्स और पासिंग कंप्लीट के साथ। दोस्तों इस गाड़ी की रीसेल वैल्यू जो है थोड़ी सी कम है, जिस कारण आपको ये 14-15 मॉडल तक भी 1,00,000 रुपये के अंदर गाड़ी आसानी से मिल सकती है। चलिए बात करते हैं तीसरी छोटी लोडिंग गाड़ी की जो मेरी लिस्ट में आती है, वो है टाटा एस जिप। दोस्तों टाटा एस जिप जो भी बहुत ही अच्छी गाड़ी है, और अगर आप 500-600 केजी वजन जो है उठाते हैं तो टाटा एस जिप आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। दोस्तों टाटा एस जिप आपको 15 मॉडल तक बड़ी आसानी से 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी, टैक्स और पासिंग कंप्लीट के साथ। दोस्तों अगर हम इस गाड़ी की माइलेज की बात करते हैं तो माइलेज भी अच्छी खासी आपको मिल जाएगी टाटा एस जिप से। इस गाड़ी की माइलेज जो है वो 30 के पार आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम चौथी गाड़ी की जो मेरी लिस्ट में आती है। दोस्तों चौथी गाड़ी जो है वो है ट्रम्प 40। दोस्तों ट्रम्प 40 गाड़ी जो है बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अगर आपका बजट 1,00,000 रुपये का है तो आप 11 मॉडल 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएगी, टैक्स और पासिंग कंप्लीट के साथ। गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप 1 टन से लेके 1.5 टन तक का माल उठाना चाह रहे हैं और आपका बजट 1,00,000 रुपये है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ट्रम्प 40 गाड़ी जो है वो खरीद लें। अगर इस गाड़ी की माइलेज की बात करें तो माइलेज भी आपको बड़ी आसानी से 20 किलोमीटर प्रति लीटर की मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी 5वीं गाड़ी की जो मेरी लिस्ट में आती है 1,00,000 रुपये के बजट के अंदर में, तो वो है प्यागो का एप। दोस्तों प्यागो की एप गाड़ी जो आती है वो 3-व्हीलर में आती है, और इस गाड़ी की खासियत यही है कि इसकी माइलेज जो है वो 37 किलोमीटर प्रति लीटर की है, जो कि बहुत ही बढ़िया माइलेज है। दोस्तों जो मैंने आपको पहले 4 गाड़ियां बताई उनमें सबसे ज्यादा माइलेज जो है वो इस गाड़ी की है। तो अगर आपकी गाड़ी जो है वो शहर के अंदर घूमती है, ज्यादा गलियों में जाती है, तो आप जो है प्यागो का एप खरीद सकते हैं, जो कि आपको केवल 14-15 मॉडल जो है वो 1,00,000 रुपये के अंदर मिल जाएगा बड़ी आसानी से, टैक्स और पासिंग कंप्लीट के साथ। तो मैंने आपको बताई 5 ऐसी गाड़ियां जो आपको 1,00,000 रुपये के अंदर बड़ी आसानी से मिल जाएंगी, और अगर आपका बजट 1,00,000 रुपये का है तो मेरे ख्याल से आपको इन 5 गाड़ियों में से कोई ना कोई गाड़ी अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार चुन लेनी चाहिए। अगेन जब हम बात करते हैं पे लोड की, तो अगर आप ज़्यादा वजन उठाना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप टाटा एस, मैक्सिमो और ट्रम्प 40 ये गाड़ी चुन सकते हैं। और अगर आप माइलेज ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप टाटा एस जिप और प्यागो ए में से कोई भी गाड़ी चुन सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लें हमारा YouTube चैनल, अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल शर्मा जाटो डील को। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप देखते रहिए शर्मा जाटो डील। दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए शर्मा जी ऑटो डील को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट ऑटो रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें।